पहला तो सबसे है टाटा की सेफ्टी का एक पॉइंट आता है। हाँ। और दूसरा ये पहली है सीएनजी कार जो टर्बो में आई है जी, बाकी सारी सीएनजी कार है वो टर्बो में नहीं है जी। टाटा की गाड़ियों में एक चीज प्रॉब्लम है कि जैसे आप गाड़ी लेने जाओ तो आपको जो गाड़ी चाहिए होती है वो गाड़ी इनके पास होती नहीं है। हाँ। ये उससे टॉप मॉडल दिखा देते हैं बिल्कुल, तो उसमें बोलेंगे कि आपको ये दो तीन चीजें आपको नहीं मिलेंगी। हाँ। लेकिन वो कई सारी चीजें होती है जो नहीं होती है, जैसे 11 लाख की के अप्रोक्स गाड़ी पड़ी है, थोड़ी एक दो फीचर्स और होते तो अच्छा था, जैसे पीछे एसी वेंट हो जाता। हाँ। तो ब्लेजर से कंपैरिजन में तो मुझे इसको ही प्रेफर करूंगा, ड्राइविंग वगैरह कम्फर्ट जो है इसमें। रोडों पे होते हुए भी छटा के निडल डाल पा रहे हैं इसका, देख रहा हूँ सीएनजी की गाड़ी 120 की स्पीड में चल रही है, की गाड़ी चलने में जबरदस्त है। ब्रेजा को साइड में खड़ा करेंगे ना तो कहीं हद तक ब्रेजा को धूल जटा देगी, इतनी पावर इसमें है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास है टाटा की नेक्सॉन सीएनजी, जो कि भाई इंडिया में पहली बार सीएनजी टर्बो आई है। तो ये जो खड़ी है सामने, इसमें सीएनजी टर्बो आती है और पावर वगैरह पिकअप वगैरह काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो आज इसका ओनरशिप रिव्यू शेयर करेंगे, ओनर से इसके बारे में जानेंगे कि उसकी तरफ क्यों गए, क्या रीजंस रहे, कौन सा वेरियंट है और कितने की उनको ऑन रोड पड़ी, क्या वेटिंग वगैरह उनको मिली, और बाकी ओनर से मिलते हैं जानते हैं इसके बारे में। जी सर कैसे हैं? बढ़िया है जी। सर अपना नाम वगैरह? मैं शैलेंद्र मिश्रा हूँ, मिश्रा जी, जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप जी। तो सर आपने कब ली थी ये टाटा की नेक्सॉन सीएनजी? मैंने ये धनतेरस पे लिया है। धनतेरस पे। तो आपका वेरिएंट वगैरह कौन सा होने वाला है? ये स्मार्ट प्लस है। स्मार्ट प्लस जी। तो आपको ऑन रोड कितने की पड़ी है? ये पड़ी है 10,80,000 रुपए की। तो इससे कोई नीचे भी आता है सीएनजी वेरिएंट? है स्मार्ट वेरिएंट। हाँ। उसमें म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं होते हैं और विंडोज चारों पावर नहीं होती हैं। हाँ। फ्रंट के केवल दो पावर विंडोज रहते हैं। ठीक है। ये उसके ऊपर वाला वेरिएंट है और उसमें म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं होता है, पावर विंडो नहीं होती है, जो इसके नीचे वाला वेरियंट है। तो वो कितने का ऑन रोड पड़ रहा था आपको? 60-70 हज़ार का। ये पड़ी आपको 10-80 की, वो आपको 60-70 हज़ार रुपये कम में मिल जाती। बाकी उसमें पावर विंडो नहीं मिलती? पावर विंडो नहीं थी। हाँ। लॉकिंग नहीं थी। हाँ। सिस्टम नहीं था। हाँ, दो पावर विंडो मिली थी फ्रंट की। तो आप इसकी तरफ चले गए। तो इस पर वेटिंग वगैरह कितनी है? मैंने तो ये गाड़ी जब भी रिलीज हुई थी तो उसके उस टाइम पे ही मैंने बुक कर दिया था इसको। अच्छा। तो मुझे लगभग 45 दिन का वेटिंग मिला है। मुझे पहले भी मिल जाती बट मैंने जो है प्रेफर किया था धनतेरस पे ही लेने के लिए। हाँ। बट अभी आप अगर देखेंगे तो अप्रॉक्स 2 मंथ्स का वेटिंग है। 2 मंथ्स का। तो आपको कुछ अलग से इसमें जो कंपनी स्टॉक ही है या कुछ अलग से सीरीज वगैरह आपने ली थी? नहीं नहीं, अभी कुछ भी सीरीज नहीं है इसमें, जैसी कंपनी से स्टॉक आती है वैसी है। है। अच्छा, तो आप टाटा नेक्सॉन सीएनजी की तरफ गए, इसके अलावा आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी थी? इसके अलावा मैंने फ्रॉन्क्स देखी थी। हाँ। ऑरा देखी थी जी, और एक ब्रेजा। हाँ। सुजुकी की है, वो भी देखी थी, जो इसकी राइवल है। जी, इसकी राइवल जो थी। तो उन पे ना जाने का क्या रीजन रहा फिर? पहला तो सबसे है टाटा की सेफ्टी का एक पॉइंट आता है। हाँ। और दूसरा ये पहली है सीएनजी कार जो टर्बो में आई है जी, बाकी सारी सीएनजी कार है वो टर्बो में नहीं है जी। तो इसलिए इंजन पावर भी एक अच्छा है, सीएनजी के साथ अच्छा इंजन पावर मिल रहा है जी, इसलिए मैंने टाटा को ज्यादा प्रेफर किया। मतलब वो कहीं हद तक पावर भी चाहिए थी आपको और सेफ्टी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो आप इससे पहले कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे? इसके मैं फर्स्ट ओनर हूँ ऐसे, बट हमारे पास एक टाटा टियागो थी। टाटा टियागो पेट्रोल वर्जन में। पेट्रोल ये मैं सीएनजी के लिए नया एक्सपीरियंस है। अच्छा, जैसे आपने टाटा टियागो पेट्रोल में चलाई है तो उसका एवरेज वगैरह कितना आपको मिल जाता था? सिटी में तो 15-16 के अप्रॉक्स रहता था। हाँ। हाईवे पे 19-20 के आसपास आता था। मतलब टाटा कहीं हद तक थोड़ा सा एवरेज वगैरह में बोलते हैं कम थोड़ा देती है। तो आपने जैसे नेक्सॉन सीएनजी ली है तो इसका माइलेज कितना मिल रहा है आपको सीएनजी में? अभी तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा नहीं चला पाया हूँ इसको, बट लेकिन जो मिल रहा है 2021 के अप्रॉक्स जो है अभी मैं निकाल पा रहा हूँ। निकाल पा रहे हैं अभी। कितनी चला दी आपने फिलहाल ये? लगभग 300 के आसपास चल चुकी है। 300 के आसपास। तो चलाने वगैरह में कैसी है? ठीक है, मैंने जैसे टियागो चलाई थी उसके कंपेरिजन में थोड़ा पावर ज़्यादा है। हाँ। जो जो बाकी आपने सोचा था कि पावर वगैरह अच्छी मिलेगी वैसी वैसी है। तो चलो इसमें बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें मिली आपको, क्या क्या फीचर्स मिले फ्रंट में, क्या चीज़ क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। एलईडी हेडलाइट्स आती हैं? हेडलाइट्स रहेगी। हाँ। ये लैंप्स हैं। हाँ। और फिर अंदर देख सकते हैं, कोई भी आगे सेंसर वगैरह नहीं मिलता है? कुछ भी नहीं रहता है आगे, सेंसर नहीं है, बैक सेंसर होता है कैमरे का। हाँ। और सेंट्रल लॉकिंग है इसमें। बाकी ये DRL मिलती है इसमें यहाँ पे? हाँ, DRL लगी हुई है। कनेक्टेड DRL नहीं आती है, वो टॉप मॉडल में आती है। हाँ, आइए साइड से जो है इसमें आपको 16 इंची के रिम मिलेंगे और गुडियर का टायर मिलते हैं, जो कि व्हील कैप वगैरह इसमें आया नहीं है जी। नहीं।
और यहाँ पे इंडिकेटर पे ORMM पे इंडिकेटर मिल जाता है, ये देखिए कुछ इस तरह से है। बाकी एक बार इसके इंटीरियर में चलते हैं और इसको देखते हैं एक बार। ये काफी इसमें एसी विंड वगैरह ये सब आपका मैनुअल है। इसके ऊपर वाले वर्जन में जाएंगे आप प्योर में, तो वहाँ पे आपको ये टच मिलता है। टच मिलता है वो अप्रोक्स 1 से 1.5 लाख रुपए कॉस्ट ज्यादा जाती है। जी जी। बाकी हरमन का इसमें हरमन का मेरे सिस्टम दिया 6 इंच का। हाँ। और स्पीकर है चार स्पीकर, चारों पावर विंडोज है। हाँ। और ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है डिजिटल है ये। और बाकी ये टाटा को जो न्यू लोगो आया है कुछ इस तरह से, ये न्यू लोगो है, इनोमिनेटेड लोगो बोलते हैं इसको। टच है इसमें भी जी। तो इसका सिस्टम वगैरह कैसा है, जैसे मुझे सिस्टम वगैरह अच्छा है, ठीक है, मतलब 6 out of 10 हम इसको रेट कर सकते हैं जी। बाकी आप जितना अच्छा आप इसमें म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करेंगे उतना अच्छी है आपके। अच्छा। बाकी स्टैंडर्ड जो है सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से 6 एयरबैग इसमें कंपनी से मिलते हैं, 6 एयरबैग हैं बेस मॉडल में ही। दो आपको यहाँ दिखेंगे। हाँ, एक यहाँ पे चार और दो पीछे तो बिल्कुल। तो चलाने वगैरह में जैसे आप चला रहे थे टियागो, आपने चलाई थी पेट्रोल में, अब इसको चला रहे हो CNG में, तो कितना महसूस आप कर रहे हो कि इसमें पावर वगैरह? तो ये टियागो से थोड़ा ऊंचा है सेगमेंट, और सेगमेंट भी ऊंचा है, प्लस जो है इसको पावर थोड़ी ज्यादा है इसमें, उससे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, तो एक बार इसको स्टार्ट कर लीजिए सर। सर ये पेट्रोल पे ही स्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है, CNG पे ऑटोमेटिक हो जाती है? CNG पे चाहो CNG कर लो, पेट्रोल पे होती है, CNG से अपने आप कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, तो ये 6 मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है, 6 गियरबॉक्स में जी। तो जैसे आपने चलाई है, फैमिली वगैरह इसमें बैठी है, कंफर्ट वगैरह कैसा है इसमें? कंफर्टेबल है। कितने लोग गए हो आप इसमें? 3 लोग हम पीछे बैठते हैं, 2 आगे के लिए। बाकी पिछले लोग जो पुरानी वर्जन आती थी टाटा की, वो थोड़ी सी मुझे लगता है स्पेस ज्यादा था उसमें पीछे। हाँ। उसमें 4 लोग आराम से बैठ जाते थे, 4 लोग, लेकिन 4 लोग पीछे बैठते हैं तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहता। कंफर्टेबल नहीं है। तो जैसा आपने चलाई है CNG का ये इंजन, इसमें कुछ वाइब्रेशन वगैरह कुछ अंदर बॉडी में कुछ ऐसा महसूस होता है, गड़गड़ाहट वगैरह कुछ ऐसी? थोड़ी देर के लिए जब वो पेट्रोल पे रहती तो पता चलता है, जैसे CNG कन्वर्ट हो जाती है तो पता चलता है, महसूस होगा आपको, महसूस होगा कि उसकी आवाज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है। तो जैसे आपने पावर वगैरह कैसी महसूस, कितने मतलब कुछ लैग वगैरह है इसमें ऐसा कुछ, या पेट्रोल और CNG पे सेम ही चलती है? क्योंकि मैं टियागो से इस पे आया हूँ तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा फील नहीं कर पाता हूँ। अगर मैं कभी इसके रेंज की पावर की कार ड्राइव करी होती तो मुझे महसूस होता। अच्छा। मतलब जैसे अभी जिन क्रेटा वगैरह चलाई है वो चलाते हैं तो उनको महसूस होता है कि थोड़ा सा लैग है जी। बट जो हम जैसे नॉर्मल लोग थे जो नॉर्मल में टियागो और ये सब गाड़ी चलाई थी, तो उनके लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप मतलब पेट्रोल पे चलाई आपने? हाँ, पेट्रोल पे चलाई। पेट्रोल और CNG में कितना डिफरेंस लग रहा है आपको इस गाड़ी पे? पिकअप में थोड़ा सा लगता है, थोड़ा जब आप करते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ी सी ज्यादा पावर रहती है, ज्यादा पावर रहती है। बाकी सनरूफ वगैरह को आपको? इसके ऊपर वाले वर्जन है स्मार्ट प्लस है, उसमें सनरूफ रहता है। आपको उसकी नीड नहीं थी? नीड नहीं थी, पर बहुत छोटा सनरूफ था, वो यहाँ पे रहता है, बहुत यूजफुल नहीं था बिल्कुल, तो इसलिए मुझे प्रेफर नहीं किया आपने। बाकी यहाँ पे जो मोड्स वगैरह के लिए आता है ऑप्शन है कुछ इस तरह से, ग्लास बॉक्स मिलता है यहाँ, ग्लास होल्डर सॉरी, बस यही है जो दिया है। तो इसमें टच आते हैं टॉप मॉडल में जो है CNG पे यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी ये रहा इसका डैशबोर्ड, इंटीरियर जो है कुछ इस तरह से। आइए सर एक बार पीछे से देखते हैं इसको, बाकी चला के देखेंगे फिर इसको। ये इसका बूट स्पेस है, ये है ट्विन सिलेंडर जो कि आपको 4.5-4 किलो के मिल जाएंगे। ये सबसे बड़ा मेन चीज है इसकी, क्यों सर? रख सकते हैं। बाकी कनेक्टेड टेल लाइट इसमें आती नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। रियर में 2 सेंसर मिल जाएंगे, बाकी ICNG की बेजिंग और नेक्सॉन वगैरह यहाँ पे मिलता है। तो सर जैसे आपने चलाई है और इसमें CNG फिल कराई, तो इसमें कितनी गैस आई थी अभी तक? जो मैंने मैक्सिमम कही 6.5 किलो मुझे मिली है, बहुत अच्छा प्रेशर नहीं था इसकी वजह 6.5 तक मिला है। 6.5 तक मिला है। 9 किलो 4.5 हजार के 2 सिलेंडर लगे हुए हैं। हाँ हाँ। 9 किलो है, अगर अच्छा प्रेशर है। हाँ। तो आप तो अच्छा ये दे सकता है। अच्छा, तो सर एक बार इसको चला के देखते हैं चलने वगैरह में कैसी है। जी जी। तो ये देखिए ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बाकी यहाँ पे RPM मीटर ओडोमीटर सब चीज डिस्प्ले में दिखाती है कि खिड़की वगैरह खुली हैं जो चीज़ें। और ये मैंने स्टार्ट किया है इसको फिलहाल अभी 261
1.9 किलोमीटर चली है। सीएनजी की यहाँ पे लाइट आ रही है। बाकी इसमें सीट अप एंड डाउन का नहीं आता है, सीट एडजस्ट जो है हाइट एडजस्ट नहीं आता है, और स्टीयरिंग जो है टिल्ट मिलता है आपको, टेलीस्कोपिक नहीं आता है। बाकी यहाँ वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल मिलते हैं यहाँ से। और सर क्रूज़ वगैरह नहीं आता है इसमें, क्योंकि पेट्रोल में आता है क्रूज़, सीएनजी में क्रूज़ नहीं आता है। तो इसको मैं थोड़ी सी ड्राइव करके देखूँगा, जैसे टर्बो सीएनजी आई है अभी। सर इसमें पता है यहाँ से चल रही है कि सीएनजी चल रही है फिलहाल ये, और ये बटन होता है यहाँ पे सीएनजी लिखा था, ये बटन है सीएनजी, इसको बंद कर देंगे तो पेट्रोल पे आ जाएगी। अब पेट्रोल पे है ये, इधर पेट्रोल पे आ गई। और इसमें पेट्रोल में एवरेज दिखाती है, बाकी सीएनजी में माइलेज दिखाती नहीं है। जी सर करेक्ट ना? हाँ जी, पेट्रोल पे दिखाती है, सीएनजी पे नहीं दिखाती है। तो ये सीएनजी पे कर लिया है मैंने इसको, फिलहाल सीएनजी पे चला के देखते हैं। पहले गियर में उठा के देखेंगे इसका बिना थ्रॉटल के। यहाँ से देखो मतलब आसानी से चल देती है ये देखिए। और इसका अब दूसरा गियर लगा देते हैं बिना थ्रॉटल के ही, देखते हैं चल पाती या नहीं। बाकी खूब आराम से अच्छी तरीके से चल रही है ये देखिए, 20 की स्पीड तक पहुंच चुकी है, 19। तीसरा और लगाते हैं, देखते हैं कि मतलब जो थोड़ी सी गड़गड़ाहट होती है बाकी चल देती है तीसरे गियर में भी। तो अब यहाँ से थोड़ा सा इसको देखते हैं, मतलब कैबिन में इतनी ज्यादा नॉइस आ नहीं रही है इसकी। हाँ रोड टायर की वजह से आ रही है, रोड थोड़ा सा वैसा है, ईटो वाला रोड, इंटरलॉकिंग जो बोलते हैं। तो सर जैसे आप टाटा की तरफ गए, मेरे क्वेश्चन हैं कुछ, मैं आपसे पहले पूछ लेता हूँ फिर इसके बाद कुछ चला के देखेंगे। मतलब टाटा की तरफ लोग थोड़ा सा कम जाते हैं, हिचकिचाते हैं कि थोड़ी सी इश्यूज वगैरह होते हैं। पहले था ये इश्यू टाटा की गाड़ी में आवाज आने लगती थी थोड़े टाइम बाद, जो है मतलब वो बात नहीं रह जाती थी, लेकिन टाटा ने बहुत सारी चीजें इम्प्रूव करी हैं। अच्छा, बहुत सारी चीजें अभी इसमें बदल गई हैं, बदल गई हैं, वो सब चीजें नहीं है पहले वाली। बोलते थे लोग सेल्स टाइम पे तो जब सेल होती है गाड़ी उस टाइम तो इनका बिहेवियर वगैरह ठीक रहता है, बाकी बाद में जब कुछ दिक्कत कार में आती है तो थोड़ा सा डिले करते हैं। हमारा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, यहाँ के लिए तो फर्स्ट टाइम है, अभी 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 तो पहली सर्विस भी नहीं कराई हमने जी, तो देखते हैं बाकी आगे आपको पता चलेगा। तो और सर टाटा को बारे में जैसे आप कुछ कहना चाह रहे हो अपनी तरफ से, टाटा की गाड़ी आपने ली है, क्या रीजंस रहे आपके टाटा की तरफ ही जाने के? सेफ्टी है मेन, सबसे ज्यादा है सेफ्टी भी मिल रही है हमें, और दूसरा है सीएनजी माइलेज के लिए है सीएनजी, तो सेफ्टी प्लस पॉकेट फ्रेंडली दोनों एक साथ हो रहा है कॉम्बिनेशन, इसलिए हम इसके तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है सर, बाकी तो इसी से और थोड़ा सा मैं इसको देखता हूँ चला के, मतलब चलाने वगैरह में कैसी, और बाकी इसके एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे हम, और सर से बोलते हैं एक बार। सर इसकी सीएनजी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी, लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रही हैं कि इसकी सीएनजी टेस्ट कीजिए आप। मैंने ऑलरेडी बहुत कार्स की रखी है 1 kg टेस्ट, तो इसकी टेस्टिंग कब तक हो जाएगी पॉसिबल? ये एक बार खाली हो जाने दीजिए, फिर हम इसकी सीएनजी टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि सर को भी पता चल जाएगा कितने का माइलेज दे रही है। हाँ, और मैं आपके लिए भी एक वीडियो दिलाऊंगा प्रॉपर कि एक कितना चलती है एक सीएनजी टैंक, 1 किलो सीएनजी गैस में। बाकी आगे इसकी फुल टैंक की वीडियो देखेंगे, पॉसिबल होगी तो लेके जरूर आएंगे। ये टाटा की गाड़ियों में एक चीज प्रॉब्लम है, जैसे आप गाड़ी लेने जाओ तो आपको जो गाड़ी चाहिए होती है वो गाड़ी इनके पास होती नहीं है, ये उसे टॉप मॉडल दिखा देते हैं। बिल्कुल, तो उसमें बोलेंगे कि आपको ये 2-3 चीजें आपको नहीं मिलेंगी। हाँ। लेकिन वो कई सारी चीजें होती है जो नहीं होती है, ये अभी आप प्योर में जाएंगे तो आपको ये इंटीरियर में हाँ। इन सब चीजों के कलर डिफरेंट मिलते हैं। हाँ। थोड़ा सा लुक रिच आता है हाँ। उसके लिए, बट जब ये एक्चुअल में गाड़ी मिली मुझे, जब मैं बुक करने गया तब तो थी नहीं है, तो एक्चुअल में मिली तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंस थी, ये नहीं है। टेल लाइट मुझे लग रहा था कि जब मैं बुक करने गया था मुझे लगा कनेक्टेड होगी, तो उन्होंने इसको बताया भी नहीं कनेक्टेड नहीं रहती, वो भी नहीं थी। तो ये सब चीजें धीरे 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 जब आप एकदम आपके हाथ में आ जाती है तब पता चलती है। बाकी जैसे हम इसको चला के देख रहे हैं मतलब पावर वगैरह अल्टीमेट मिलती है, अभी मैंने इसको ड्राइव कर रहा हूँ काफी टाइम से, उस टाइम में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, थोड़ा चला के देख रहा हूँ। 80 के बाद ये बीप करती है, और जो इसका टर्बो है ना जब थोड़ा सा डिले वगैरह हल्का सा होता है महसूस, उसके बाद तो डीजल वाली फील आती है इसमें, जैसे डीजल की गाड़ियाँ उठती है ना सेम वही आपको। देखो एक बार मैं उठा के दिखाऊंगा, और हैंडलिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब 80 के बाद थोड़ा सा इसके स्टीयरिंग जो है ना टाइट हो जाएगा।
ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा टूटा हुआ रोड है, इस पे देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है इसका। सस्पेंशन वगैरह पे मतलब काफ़ी अच्छा काम किया गया है। बिल्कुल ऐसी कोई गड़गड़ाहट ज़्यादा महसूस हो नहीं रही है सर, क्यों सर इसमें? तो थोड़ा सा इसको देखते हैं पंच करके, बाकी तीसरे गियर में देखो मैं उसको उठा के देखूँगा। 60, 65, 70 मतलब तीसरे गियर में भी काफ़ी अच्छा पावर देती है निकाल के। 80 और यहाँ पे ब्रेकिंग टेस्ट कहेंगे इसकी, ब्रेक भी काफ़ी अच्छे हैं देखिए। टिक 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 टाटा का वही अपना, देखो यहाँ पर उठाऊँ मैं इसको दूसरा गियर, गर्दन को हला देती है बिल्कुल ऐसे टर्बो जब स्टार्ट होता है ना सीएनजी का इसका, तीसरे गियर में 75-80 पहुँच जाती है। महसूस नहीं हो रहा मतलब मैं सीएनजी गाड़ी चला रहा हूँ, वाकई वाव टाटा अमेजिंग वर्क किया है। इंडिया में पहली गाड़ी है टर्बो में जो ये सीएनजी में आई है, बाकी पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह में तो आपको मिल ही जाएंगी। यहाँ पे देखो इसको पांचवें गियर में आसानी उठ जाती है, अभी छठा तो इसका डला ही नहीं है, ऐसे रोडों पे होते हुए भी छठा गियर नहीं डाल पा रहे हैं हम इसका। 100 मतलब देखिए पावर काफी जबरदस्त मिलती है, देख रहे हो सीएनजी की गाड़ी 120 की स्पीड पर चल रही है। अमेजिंग वर्क किया टाटा ने, लाजवाब। तो सर जैसे आप टाटा की तरफ गए नेक्सॉन सीएनजी आपने लिया, तो आप लोगों के लिए बताना चाहेंगे कि इसकी तरफ आप जा सकते हैं? बिल्कुल जाएं, अच्छी गाड़ी है, सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए, इससे ऊपर वाले मॉडल में जाएंगे और सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, इंटीरियर अच्छा मिलेगा आपको, एसी वेंट पीछे मिल जाएंगे। तो सर जैसे आपने गाड़ी ली, आपको इसमें कुछ नेगेटिव वगैरह लग रहा है? नहीं मुझे तो कुछ ऐसा भी फील नहीं हुआ नेगेटिव के लिए, बट ये है कि जैसे 11 लाख की के अप्रॉक्स गाड़ी पड़ी है, थोड़ी एक दो फीचर्स और होती तो अच्छा था, जैसे पीछे एसी वेंट हो जाता तो थोड़ा हमारे लिए और अच्छा रहता, बाकी सारी चीज़ें ठीक है ओके, कोई ऐसा डिस्टर्बटिव नहीं है कि हमें ये चाहिए होता। हाँ ये चाहिए होता, मतलब आप बोल सकते हो कि जो कोई ब्रेजा की तरफ जा रहा हो। हाँ ब्रेजा से कंपैरिजन में तो मैं इसको ही प्रेफर करूँगा, ड्राइविंग वगैरह कम्फर्ट जो है इसमें काफ़ी अच्छा, ब्रेजा से सेफ्टी वगैरह मिल जाएगी, सेफ्टी है टाटा की, एयरबैग इसमें 6 मिल रहे हैं आपको। हाँ तो मतलब जो ब्रेजा की तरफ शिफ्ट हो रहा हो वो इस पे जा सकता है। बिल्कुल, और कुछ बताना चाहेंगे सर इसके बारे में? अब बस अब हम जब कभी सीएनजी वाला ड्राइव लेंगे इस माइलेज के लिए तो फिर आपकी जो भी चीज़ होगा फीडबैक दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सर का रियल ओनरशिप रिव्यू है, बाकी आप कमेंट्स में बताना इसकी बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, लिख के जाना। अगली वीडियो जो हम सीएनजी की बनाएंगे उसमें सर से वो डाउट्स क्लियर कर लेंगे या वो चीज़ हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। बाकी गाड़ी चलने में ज़बरदस्त है, ब्रेजा को साइड में खड़ा करेंगे ना तो कहीं हद तक ब्रेजा को धूल जटा देगी, इतनी पावर इसमें है, और सेफ्टी वगैरह ब्रेजा से ज़्यादा ही है, स्टैंडर्ड 6 एयरबैग आते हैं इसमें, मतलब काफ़ी अल्टीमेट चीज़ है, कहने का मतलब आप इसकी तरफ जा सकते हैं मेरी तरफ से। तो बताना कमेंट्स में कैसी लगी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और इसकी 1 kg सीएनजी टेस्ट और फुल टैंक की वीडियो हम जल्दी लाएंगे, सर आपको साथ में दिखेंगे, तो ओके मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।